नमस्कार बारवाटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत कर प्रथम नजर पकड़ हेडलाइंस चांदीपुर डीआरडीओ रो चारि ठिका कर्मचारी गिरफ मामला तदंत कर क्राइम ब्रांच देशर आभ्यंतरण सुरक्षा तथ्य विदेशी एजेंट को प्रदान करथवा अभियोग हनी ट्राप रे पड़ी शत्रु को देउतले गुप्त तथ्य स्वाभिमान बनाम अहंकार मूर्ति उच्चता विवाद रे अड़ी रही सरकार कोरोना को आलो करी नेले विज्ञापन सहारा सेपटे मूर्ति उच्चता बुद्धि देवी रे 40 संगठन आमरण अनशन कांग्रेस भवन में हाई ड्रामा युव कांग्रेस सभापति स्मृति लेंका इस्तफा दाबी में विक्षोभ प्रदर्शन नुआ सभापति चयन दाबी में अड़ी रही कर्मी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग गिरफ हेले भुवनेश्वर अंगनवाड़ी दीदी दरमा 7,500 किंतु विजिलेंस को मिला 4 कोटी अधिक संपत्ति कुआडू आसला एत टा उठला प्रश्न बड़ भाकुर छाड़ी दंडिकारी धरी बाहबा विजिलेंस राज्य 47 ब्लॉक में सर्वाधिक 200 मिलीमीटर वर्षा प्रभावित होती 20 लक्ष अधिक लोक 22,000 हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त एसआरसी सूचना ब्राह्मणी नदी में सृष्टि घाई राज्य 24 घंटा 457 नुआ पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 207 केस 18 वर्ष कम 73 आक्रांत पुणी 6 जीवन नेला भाइरस 8,114 पहुंचला मोट कोरोना मृत्यु संख्या चांदीपुर डीआरडीओ रो 4 ठिका कर्मचारी गिरफ मामला तदंत कर क्राइम ब्रांच डीजीपी निर्देश क्रमे तदंत कर क्राइम ब्रांच देशर आभ्यंतरण सुरक्षा तथ्य विदेशी एजेंट को प्रदान करथवा अभियोग हनी ट्राप रे पड़ी शत्रु को देउतले गुप्त तथ्य संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि रोशन रथ रोशन 4 जन को गिरफ्त कर कोर्ट में भी हाजर कर घटनार वर्तमान खोलताड़ कर क्राइम ब्रांच केते सफलता मिली बोली आशा करा देखो पूर्वर एमती अनेक थर डीआरडीओ तथ्य लीक घटना सामना को आसी देखो तो निश्चित भाव में जदि आम देखा बहुत संवेदनशील घटना कहले अत्युक्ति हम नहीं कारण जितेबाला डीआरडीओ जोटी क्षेपणास्त्र उत्क्षेपण होती सेठू कि भाव में गुप्त तथ्य अन्य देशर जो मैंने भी संस्था रही जो मैंने आईएसआई एजेंट रही विशेषकर पाकिस्तान लिक करते खबर आसबू भितर बड़ कथा हनी ट्रैप्र शिकार होती 4 जन टीका कर्मचारी जो मैंने पाखापाखि 8 वर्ष है डीआरडीओ में काम करते से क्योंकि कि भाव फेसबुक जरिया हो कि अन्य सोशल मीडिया जरिया हो तांकु मताई तांको सहित वीडियो कॉल रे चैटिंग करा जाउतवा व्हाट्सएप कॉल रे मध्य चैटिंग करा जाउतला एवं तांकटु विभिन्न प्रकार तथ्य डीआरडीओ रो तथ्य लीक हिची बोली वर्तमान जहां अभियोग आछ ए घटना रे 4 जन को शेख मुसाफिर हेमंत मिस्त्री बसंत बेहरा एवं तापस नायक 4 जन को वर्तमान बालेश्वर पुलिस गिरफ्त करी कोर्ट चालान करछि ए मामला रे आमे जदि देखिबा पाखा पाखी 3 मास हला ए माने एबडी बापरे हनी ट्रैप रो शिकार होई तांको विभिन्न प्रकार तथ्य देउतले बोली जहां खबर आछ वर्तमान डीजीपी को निर्देश क्रमे यह घटना को क्राइम ब्रांच पुलिस टेक ओवर करछि एवं जहां सूचना मिलूँ गोटे 4 जनिया क्राइम ब्रांच रो टीम जहाँ नेतृत्व देउछन्ती एडिशनल एसपी प्रशांत कुमार बिसोई टीम वर्तमान बालेश्वर अभिमुखे बाहरी सारी बोली वर्तमान जहाँ तदंत खबर आसु क्योंटि ना क्योंटि टीम बालेश्वर में पहुँचला पर एसपी ठूँ चार्ज नब यह घटनार और पुंगानुपुख तदंत कर वास्तविक रे ये 4 जन केते दूर संप्रति अच्छी केते बास हला तथ्य देउथिले क्यों क्यों तथ्य माने विदेशी एजेंट को लीक करते केवल पाकिस्तानी आईएसी एजेंट जी महिला थे सहित चैटिंग करते ना अन्य के देशर विदेशी एजेंट सहित संप्रुक्ति सहित कथबार्ता होते विशेषकर पूर्वर मध्य आम जब देखा ईश्वर बेहरा नामक जड़े व्यक्ति आजीवन सजा काटूँ जिकि पूर्व देखा जमीक गिरफ होती भितर जो कहते कि फसाई दी जाए जो मैंने घटना कम कर छाड़ी एम को फसाई देश विरोधी देश द्रोही कम किसी करते देश दरकार पड़े जीवन देवे प्रतिक्रिया शुणा को पाई
देखो निश्चित भाव में यह घटन आम जदि देखा बर्तमान तदंत पर ही स्पष्ट हे कारण जिते दूर अभोग आसला लैपटॉप समेत जो मोबाइल फोन रही है सेगुड़ी जांच करबर आसगुड़ तथ्य आसमास चैटिंग करते विदेशी महिला मान सहित चैटिंग करते और हनी ट्राप्र शिकार होते जो मैंने कि पाकिस्तान आईएसआई एजेंट बोली कहुच्छे तेणु क्योंकि ना क्योंकि जितेबाद देशर गुप्त तथ्य अगर देश को लिक् होशर सुरक्षा प्रति गोटे बड़ विपद सृष्टि होती स्थित निश्चित भाव में जेहेतु संवेदनशील घटना पुलिस घटना को गुरुतरतर सह नहीं पूरा घटना केते दिन है वास्तव में ये ट्राप चलता और आउ क्यों क्यों मैंने संप्रति अच्छा वास्तव में जो चार जन को वर्तमान गिरफ्तार करते दूर इनवल्वमेंट रही पूरा घटना को वर्तमान क्राइम ब्रांच तदंत कर तेणु क्राइम ब्रांच बालेश्वर में पहुंचला पर पचर आउ भी किए रही कारण एम जो कार्य करते एसी ऑपरेटर तो किए डीजी ऑपरेटर कितु एम कि प्रकार तथ्य लिक कर गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। धन्यवाद रोशन इरेक्लाम प्रतिनिधि रोशन रथ। परवर्ती खबर को मूर्ति उच्चता विवाद रे अहंकार रे अड़ी रही सरकार कटकिया स्वाभिमान आगरे निजर अहंकार को बड़ बोली प्रमाण करने को विज्ञापन सहारा नहीं सरकार आज सब् प्रमुख खबर कागज रे विज्ञापन दे सरकार कहते मूर्ति उच्चता बढ़िले स्थापन और स्थानांतरण और विसर्जन में अधिक लोक नियोजित होवार संभावना थिबारु कोरोना बढ़े सरकार फंडा को प्रत्याख्यान कर कटकिया स्वाभिमान मूर्तिर उच्चता बढ़ावा दबी आमरण अनशन आरंभ कर 40 संगठन स्वाभिमान बनाम अहंकार लड़ई रे अहंकार को जाबुड़ी धरले सरकार कटकियां स्वाभिमान को बुझ नथिबा किछि ऑफिसर निज जिद पई मूर्ति उच्चता को 4 फुट रे सीमित रखिबा निष्पत्ति रे अटल अछंती आ देवी का मूर्ति उच्चता सह कोरोना व्यापीबार फंडा को लोकन को बुझाइबा को जाई ए विज्ञापन रो सहारा नैछंती नजर पकांतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग देथिबा ए विज्ञापन उपरे एथिरे कहा जाइछि मूर्ति बड़ हेले स्थापन स्थानांतर और विसर्जन रे अधिक लोकों आवश्यक पड़ो और दर्शन पाई गहली बढ़ तबे मंडपर तीनपट आबद्ध रखी परदा आढ़ुआल पूजा को अनुमति देखा सरकार एवं दर्शन कथा उठाई केमी लोक विभ्रांत कर विज्ञापन रे जल जल दिशुची प्रश्न उठू जदि मंडपर साधारण दर्शन बंद तेरे लोकों गहली हेब केमी विज्ञापन में केरल ओनम पर्वर उदाहरण भी देखिए स्वास्थ्य विभाग शुणु निज अहंकार को जाबुड़ी धरती सरकार पक्षर मूर्ति उच्चता बढ़िया कटकणा नहीं के उपस्थापन करी मूर्तिर उच्चता सहित तो सीधा सड़क कौन संक्रमण ना मूर्तिटा इनफेक्शन करूँ जेड़े बड़ मूर्ति हम से जगजगम लोक मैंने आकर्षित हे आप रास्ताकटे देखते गोटे फुटे कि दुई फुट मूर्ति विभिन्न जगह पूजा होते लोक से देखुं कि गोटे बड़ मेढ़ होते भिड़ हो तेणु गोटे मनुष्य मानसिकता जे एपटे मूर्ति उच्चता बढ़ावा सह परदा हटाइबा दावी में तीनोटी पृथक पृथक स्थान में प्रतिवाद और आंदोलन चली कटक कांग्रेस पक्षर पुरी घाट गांधी प्रतिमूर्ति पाखे मौन प्रतिवाद करा जिलापालंक ऑफिस आगे हिंदू जागरण मंच आंदोलन करुवा बेले सामाजिक संगठन गुड़िक माछुआ बजार एलआईसी ऑफिस आगे आमरण अनशन कर कटक सहरवासी भावबेग को दृष्टि रखी सरकार निष्पत्तिर पुनर्विचार कर माँ का मूर्ति करने अनुमति देवाक दाबी करिसेंती कटकिया तबे अक्टोबर मासर कोविड परिस्थिति देखी सरकार को गाइडलाइन को मानवाक प्रस्तुत बोली अनशन करुवा सामाजिक संगठन प्रतिनिधि कहते देखु कथा ना चाप सृष्टि करार कथा हूँ सरकार कहीं बुझे नहीं जिनसा मुख्यमंत्री कहीं आज हस्तक्षेप करना ये ओडिशार 4.5 कोटी जनता कटक सहर लोक भाव सहित जड़ित एक्तिगत राजनीति किसी ना
तेणु दल मत उद्वर निर्विशेष समस्ते विभिन्न सामाजिक संगठन समस्त एथिरे सहयोग करछन्ती जेतेबेले जेतेबेले कटक उपर कोनोसी विपद आपद आसीचे सेतेबेले सामाजिक कर्मी माने प्रथमे आसी एही विपद आपदर मुकाबला करथांती सहयोग हात बढ़ैथांती आज मध्य सेमती कटक माटीर अस्तित्व पई गोटे लड़ाई आरंभ होइतला प्रतिवाद आरंभ होइतला जोटा कि आज आम दीर्घ दिन पंदर दिन काम प्रतिवाद कलापर जेतेबेले सरकार नमाले आज आम सरकार को निवेदन करके आज गोटे आमरण अनुमोदन बसुचु आ सरकार को निवेदन करछु जे प्रत्येक कार्य क्रममें तो सामाजिक कर्मी मैंने आपण संग सहयोग कर आगामी दिन में सहयोग करेंगे तेणु यथारीति जो रीतनीति पूजा कार्य होता से पूजा कार्य को संपूर्ण करने को निवेदन आम अनुरोध करुच्छ मुख्यमंत्री को आसंता काली जो आलोचना रही तार निश्चिंत पुनर्विचार करा कटकर समस्त कटकिया भावना को उद्वेग को बुझापी अनुरोध करुच्छ मुख्यमंत्री को निश्चिंत भाव किसी ना कि मानने मुख्यमंत्री तार पर निश्चिंत करेंगे गोटेपटे कटकिया भावाबेग और अंपटे अधिकारी अहंकार प्रतिवाद और आंदोलन परे मामला कोर्ट को भी जाइछि एपरि स्थिति रे शांति कमिटी प्रस्ताव उपरे सरकार 16 तारीख रे विचार करि परन्ति बोली कुहा जाउछि जदि शांति कमिटी प्रस्ताव को सरकार न मानंती तबे 17 तारीख रे पूर्ण कमिटी बसी परवर्ती कार्यपद्धति स्थिर करिवो कटक रु विश्वजीत दास को सह इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज ए संपर्क रे अधिक सूचना पाई रहिछन्ति हम प्रतिनिधि इमरान खान इमरान बर्तमान जदि देखिया सामाजिक संगठन आंदोलन में बसंती अनशन में बसंती किंतु जमती लगुच कि सरकार तांको निज जिद्रे अटल रही है और जो कोरोना गाइडलाइन रखी सरकार जहाँ भी घोषणा करछंती ताहा कायम रही हुए ताहले सामाजिक संगठन कर्मकर्ता हूँ जो मैंने कटक्र स्वाभिमान बचाईवाक आंदोलन को ओह्ल माँ का मूर्तिर उच्चता बढ़िया प्रसंगे परवर्त पदक्षेप कौन अपडेट कौन आसरान देखो नीलिमा आप जानते हैं गोटे पटे सरकार अहंकार और अंपटे कटकवासी आस्था अस्मिता कथा रही है जहाँ को आधार करके दीर्घ दिन है सामाजिक संगठन राजनैतिक दल बुद्धिजीवी समाजसेवी समस्त आंदोलन करते प्रतिवाद करते आज जेहेतु कटक सहर पाखापाखि 40 सामाजिक संगठन अमरण हंगस्टेक आमरण अनुसरण करते अंपटे हिंदू जागरण मंच पक्ष अनुसरण करपटे नगर कंग्रेस पक्षर गांधी मूर्ति गांधी मूर्ति तले से मौन व्रत रखते तो यह भाव जब आप देखिए कटक सहर में बर्तमान प्रतिवाद स्वर देखा जेहेतु आसंता काली शांति कमिटी और पूजा कमिटी जो प्रस्ताव देते सरकार को सरकार आसंता काली गोटे निष्पत्ति गोटे निर्णय देते परवर्त अवस्था अर्थात काली सरकार जहाँ भी निष्पत्ति ने तार को विचार कर आसंता 17 तारीख दिन पुणी थे पूजा कमिटी और शांति कमिटी बैठक हम कि अंपटे जो सामाजिक संगठन मैंने अनशन बस जो हिंदू जागरण मंच कर्मकर्ता मैंने अनशन बस कह कथा सरकार जदि निष्पत्ति कौन पर न करती से अनिर्दिष्ट कालपरी अनशन बस गुरुत्व रखुच कारण देखो आपत कहे कि शांति कमिटी और पूजा कर्मकर्ता मैंने जो आलोचना करेंगे सरकार सहित खासकर जब आप देखिए प्रभात त्रिपाठी हूँ कि भर्तरी महताब एने गोटे प्रकार पक्ष रखिए कि कटकवासी भावाबेग्र कथ तेणु या सम्मान दिया जाओ बोली तो लगुच कल बैठक बेस गुरुत्व बहन कर बैठक निष्कर्ष पर ही सबकि निर्भर कर निश्चित देखो नीलिमा गत काली जो बैठक जो आलोचना होता है और आसंता काली तक बैठक कर गत काली विभिन्न विचार विमर्श होता है पूजा कमिटी शांति कमिटी और जहाँ को विचार करके से एक निष्पत्ति दुईट प्रस्ताव मुख्यतः देते जहाँ कि आसंता काली जो बैठक जो निर्णय सरकार ने खास करके जो दुईट प्रस्ताव देते मुख्य प्रस्ताव ये रही है जे माँ का जो मूर्ति उच्चता रही है 4 फुट ताक सरकार कोहल करूँ और जो आबद्ध पूजा जो पर्दा भितर जो पूजा करने सरकार जो निष्पत्ति देते कोहल करा ये दुईट मुख्य प्रस्ताव दीजिए और दुईट प्रस्ताव को सरकार किपर भाव में ग्रहण करते कौन निर्णय शुणा आसंता का समस्त नजर तादी सरकार कौन निष्पत्ति विचार कर पर दिन अर्थात 17 तारीख दिन पुणि थे पूजा कमिटी शांति कमिटी बैठक करेंगे और सीधे से आलोचना करके निष्पत्ति ने परवर्त कार्यपत्ता कौन कौन ग्रहण करेंगे कहीं जानते हैं जो प्रस्ताव देते जदि सरकार कौन निष्पत्ति मूर्ति उच्चता को वृद्धि कराऊ आबद्ध जो रही पूजा कटकड़ा कोहल कराऊ और सरकार जो अक्टोबर मस आसंता अक्टोबर मस कोरोना स्थिति नियंत्रण जदि रहिला तो सरकार ताकु विचार करा जाय कि जो तो देखा जाउ इमरान के आसंता काले बैठक रे कोन निष्पत्ति ने जे छि पो निष्पत्ति रो आधार रे ही आग को जो संगठन रो सामाजिक संगठन होंतु बा जो विभिन्न दल पक्ष रे जो अनशन कोला जाय छि तार रूपरेख आगामी दिन रे कोन हबा ता पर हबा समस्त कनज धन्यवाद इमरान ने रेटलम प्रतिनिधि इमरान खान।
कांग्रेस भवन हाइड्रामा शताधिक असंतुष्ट युव कांग्रेस कर्मी कांग्रेस भवन सम्मुखें विक्षोभ युव कांग्रेस सभापति स्मृति लेंका विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन सहित कुश पुतलिका दाह कर स्मृति लेंका युव कांग्रेस कर्मी हईराण और प्रतारणा कर अभियोग कोरोना समय घरे शोरुवर स्मृति लेंका इस्तफा दावी करते कर्मी आउथरे नुआ सभापति निर्वाचित करने को दावी करते असंतुष्ट युव कांग्रेस कर्मी स्मृति लेंका इस्तफा नदे विरोध आहरी तीव्रतर हो चेतावनी कमे 2018 डिसेंबर मासरे आमर मेंबरशिप होता इलेक्शन पाई किंतु किछि समय पाई स्मृति लंका को कराई किंतु स्मृति लंका जो भली भावरे ओडिशार युवक मानकु कांग्रेस युव कांग्रेस पदाधिकारी को प्रतारणा करी चली जंती आपण माने देखंतु निकटरे कोरोना कोरोना टाइम रे से घरे सोइले ऑफिस को आसिले नाही एबे भी आपण माने देखि पारुथिबे ऑफिस से नहांती एमती युव कांग्रेस आमे चाहूचु आउ थरे इलेक्शन हो एवं नुआ सभापति करा जाऊ स्मृति लंका तुरंत इस्तफा दियंतु। राजधानी विभिन्न स्थान में जलबंदी समस्या देखाई वर्षा पर एवं तलिया अंचल गुड़िक जमी रही पा ड्रेनेज होईपार नथिबारु विभिन्न स्थान रे पानी जमिछि मु लोके नाना असुविधार सम्मुखीन होता देखा मिली ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि स्वप्ना राणी रही स्वप्ना आपड़ को अंचल अच्छा कारण देखो वर्षा तो कमीगला कि जो दुई तीन लघुचाप जनता जो वर्षा है राजधानी हाल बेस बेहाल कर खासकर तलिया अंचल कहतु कि विभिन्न जगार देखो पा जमी रही ड्रेनेज व्यवस्था ठीक से कम कर नु तो लोक मैंने के दुर्दशार अच्छा आप एक्जाक्टली कौ जगार अच्छा सेठाकर स्थित केमती अच्छी देखंतु नीलिमा जदिओ वर्षा कमी किंतु वर्षा छाड़ी सारे वर्षार प्रकोप कमी सारे वर्तमान लोक नहीं ना दुर्दशार दिन काटुचार कहीं बस्ती मध्य वर्तमान आम आँचीचु सत्यनगर सत्यकाली बस्ती रे जो अनेक लोक वर्तमान जलबंदी अच्छा कहीं सबुठ आंठिए उच्चर पा एवे जमिकी अच्छे लोक मैंने जो रही खावा पीवा और रोषेवास कराया कष्टर हो पड़ी आपण को स्वल्प समय मध्य चित्र देखा कौ भाव में बर्तमान लोक निज घर पदा को बाहरी पार ना आहरी आगक गले चित्र पूरा सांघातिक दृश्य रही कहीं समय लोक मान प्रतिक्रिया निर्मा रही कौली भाव में ये ड्रेनेज समस्या नहीं आवास योजना मिलना ये तमाम चित्र सामना को आवितीय पटे जदि कह करोना एवं अच्छी डेंगू समस्या बड़ समस्या बर्तमान बस्ती रही कहीं छोट पाने घर पदा को बाहरी पार ना जहाँ भी कम जमती भी हो असुविधा घर भितर करके रोचंती ये होची सीधा साल दृश्य सत्यनगर सत्यकाली बस्ती रो जोठी एबे भी पानी घर रे लोक माने अछंती समस्त घर माने बेस असुविधा रो सम्मुखीन होइचंती एवं पदा को मते बाहरी पर नथवा जाम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि सूचना दिछन धन्यवाद स्वप्नांजलि। तेबे राज्यसभा एवं लोकसभा टीवी रो मिश्रण रे संसद टीवी होची एवं संसद टीवी रो उद्घाटन करचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा साल जीवा कार्यक्रम को बहुत लंबी यात्रा है। इस यात्रा को सफल बनाने में अनेकों लोगों का योगदान रहा है। मैं दूरदर्शन के संचालन से जुड़े सभी लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, तेजी से बदलते समय में मीडिया और टीवी चैनल्स की भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवॉल्यूशन ला रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करें। मुझे खुशी है कि संसद टीवी के तौर पर आज एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि अपने नए अवतार में संसद टीवी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रहेगा और इसका अपना ऐप भी होगा। इससे हमारा संसदीय संवाद न केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा बल्कि
आम जन तक उसकी पहुंच भी बढ़ेगी। आज ये सुखद संयोग भी है बल्कि कि 15 आम जन तक उसकी पहुंच भी बढ़ेगी। आज ये सुखद संयोग है कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जा रहा है और तो भारत की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत लोकतंत्र की जनी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवहार नहीं है, विचार है। भारत सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है बल्कि वो एक स्पीड है। भारत लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक धाराओं का संग्रह ही नहीं है, ये तो हमारी जीवन धारा है। ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इस दिन संसद टीवी का लॉन्च होना अपने आप में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। वैसे भारत में हम सभी आज इंजीनियर्स डे भी मना रहे, भारत के मेहनती और कुशल इंजीनियर्स को समर्पित है। टीवी की दुनिया में तो ओबी इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़े लोग, पैनल संभालने वाले लोग, स्टूडियो डायरेक्टर्स, कैमरामैन, वीडियो एडिटर्स, कितने ही प्रोफेशनल्स ब्रॉडकास्ट को संभव बनाते हैं। आज मैं संसद टीवी के साथ ही देश के सभी टीवी चैनलों में काम करने वाले इंजीनियर्स को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है तो हमारे सामने अतीत का गौरव भी है और भविष्य का संकल्प भी है। इन दोनों ही क्षेत्रों में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया जब किसी विषय को उठाता है जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो वो और तेजी से जन जन तक पहुंचाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों के प्रयासों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य मीडिया बखूबी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर टीवी चैनल्स स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 75 एपिसोड प्लान कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, अखबार एब्सोल्युटली फ्री बार अमृत महोत्सव से जुड़ी परिशिष्ट प्रसारित कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया क्विज कॉम्पिटिशन से आइडिया चाहिए युवाओं को सीधे जोड़ सकते हैं। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्लान भी प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना है कि संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम्स प्लान भी किए हैं। ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने बात जितनी मीडिया पर लागू होती है उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है, क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिसी भी है। एक्चुअली तो पॉलिसी ही है। हमारी संसद में जब सत्र होता है अलग अलग विषयों पर बहस होती पर भी लागू होती है, क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिसी भी है। एक्चुअली तो पॉलिसी ही है।
हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है। हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा भी मिलती है। इससे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जनहित के कामों को पॉपुलैरिटी भी मिलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सदन की कार्यवाही से आम जन कनेक्ट करे, भले ही वो देश के किसी भी कोने में हो, सदन की गतिविधियों का हिस्सा बने। ऐसे में संसद टीवी को भी अपने कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की, खासकर युवाओं की रुचियों के आधार पर करना ही पड़ेगा। इसके लिए भाषा पर ध्यान देना होगा। इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग पैकेज और प्रोग्राम ये अनिवार्य हो जाएंगे, जैसे कि संसद में हुए ऐतिहासिक भाषण लिए जा सकते हैं, सार्थक और तार्किक बहस के साथ साथ कभी कभार कुछ मजाकिया क्षणों को भी दिखाया जा सकता है, अलग अलग सांसदों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, ताकि जनता उनके कामों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सके। कई सांसदगण अलग अलग क्षेत्र में कई सराहनीय काम भी कर रहे हैं, उनके इन प्रयासों को आप देश के सामने रखेंगे तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा और दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी सकारात्मक राजनीतिक प्रेरणा मिलेगी। साथियों, एक और महत्वपूर्ण विषय जो हम अमृत महोत्सव में उठा सकते हैं वो है हमारा संविधान और नागरिक कर्तव्य। देश के नागरिकों के कर्तव्य क्या है, इसे लेकर निरंतर जागरूकता की जरूरत है और मीडिया इस जागरूकता के लिए एक प्रभावी माध्यम है। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी इस तरह के कई प्रोग्राम लेकर आ रहा है। इन प्रोग्राम से हमारे युवाओं, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के साथ ही गहराई से समझने में मदद करेगी। मुझे उम्मीद है संसद टीवी में जमीनी लोकतंत्र के रूप में काम करने वाली पंचायतों पर भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। ये प्रोग्राम्स भारत के लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा देंगे, एक नई चेतना देंगे। साथियों, हमारी संसद, अलग अलग राजनीतिक दल, हमारी मीडिया, हमारे संस्थान, सबके अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं, लेकिन देश के संकल्पों की पूर्ति के लिए